सत श्रीकाल जी सारे, स्वागत है आपका 99 ब्रिक्स रियल एस्टेट चैनल पर। मेरा नाम जसविंदर सिंह है। आज मैं आपके लिए जो प्रॉपर्टी लेकर आया हूँ वो डीडीए के प्लॉट्स हैं। लोकेशन है रोहिणी सेक्टर 24। रोहिणी सेक्टर 24 में अगर आप डीडीए का प्लॉट बाय करते हैं, साथ के साथ ही अपने हिसाब से कंस्ट्रक्शन करके यहाँ पे रहना शुरू कर सकते हैं। सेक्टर 24 में जो है काफ़ी अच्छी आबादी है, लोग यहाँ पे रह रहे हैं। तो अगर आप कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं कि आपका प्लॉट अपना हो और अपने हिसाब से आप बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करें, तो उस हिसाब से आप यहाँ पे प्लॉट की बाइंग कर सकते हैं। इससे पहले भी मैंने डीडीए के प्लॉट्स के ऊपर वीडियो डाली थी जो कि इससे पीछे के सेक्टरों की थी, वहाँ पे अभी इन्वेस्टमेंट मोड पे आप प्लॉट बाय कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे अगर आप लेते हैं तो आप साथ के साथ रहना शुरू कर सकते हैं। तो आज ही प्लॉट को मैं आपको दिखाऊंगा और किस तरह से हम इसको बाय कर सकते हैं, क्या इसके प्राइस हैं और क्या इस पर लोन मिल जाता है, वो सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। तो आइए एक बार चल के देखते हैं किस लोकेशनों पे ये हमारे को प्लॉट्स मिलते हैं। आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ लोकेशंस का यहाँ पे किस तरह से यहाँ पे प्लॉट हैं और आसपास क्या रिहाइश है। रोहिणी सेक्टर 24 में जितनी भी पॉकेट्स हैं चारों तरफ से वॉल कवर्ड है और इन और एग्जिट के एक या दो गेट हैं, चारों तरफ से वॉल कवर्ड है और बीच में हर जगह पार्किंग की काफ़ी अच्छी स्पेस छोड़ रखी है। सेक्टर 24 में जो आपकी प्रॉपर्टी बाइंग का सबसे मेन आपको बेनिफिट मिलता है वो यही मिलता है कि आपको पार्किंग की काफ़ी अच्छी स्पेस मिल जाती है। तो आइए एक बार चल के देखते हैं किस तरह किस लोकेशनों पे ये हमारे को प्लॉट्स अवेलेबल हो रहे हैं। आज डीडी के जो है 60 मीटर के प्लॉट्स हैं जिसकी स्क्वायर यार्ड में बात करें तो 72-75 स्क्वायर यार्ड के आसपास जगह होती है, उन्हीं प्लॉट्स को हम देखेंगे। तो आइए एक बार चल के देखते हैं कि किस तरह से किस लोकेशन पर ये प्लॉट हमारे पास अवेलेबल है। सो फ्रेंड्स, ये जो खाली प्लॉट आप देख रहे हैं सामने, ये 60 मीटर का प्लॉट है और इसके साथ में आप देख सकते हैं कि लोगों ने 60 मीटर के अपने प्लॉट्स में कंस्ट्रक्शन कर रखी है और काफ़ी अच्छी रिहाइश इस ब्लॉक के अंदर आपको दिख रही है। और ये जो प्लॉट हमारे पास अवेलेबल है बिल्कुल पार्किंग फेसिंग है, सामने काफ़ी बड़ी पार्किंग स्पेस के अंदर अवेलेबल है और इसी हिसाब से इसके रेटों का जो है वेरिएशन रहेगा, ये आप देख सकते हैं। जो दूसरा प्लॉट है वो ये सामने आप देख सकते हैं, खाली प्लॉट है और इसके अंदर भी आपको स्पेस अवेलेबल हो जाएगी, सामने की रोड आप देख सकते हैं। इन प्लॉट में किसी तरह का कोई कब्जे वाला सीन नहीं है, ये काफ़ी टाइम से प्लॉट पड़े हुए हैं और उतने के उतने साइज़ के ही आपको अवेलेबल हैं। और ये जो प्लॉट है ये हमारा पार्क फेसिंग है, सामने इसके पार्क है, इस हिसाब से हमारे पास लोकेशन का वेरिएशन रहता है कि कोई पार्क फेसिंग है, कोई पार्क फेसिंग है और कोई पार्किंग फेसिंग है, उस हिसाब से रेटों का ऊपर नीचे रहेगा। तीसरा प्लॉट ये देख सकते हैं कि ये जो प्लॉट है इसमें 2.5 मंजिल की कंस्ट्रक्शन हो रखी है, ये प्लॉट भी आपको प्लॉट रेट पे मिल जाएगा, कंस्ट्रक्शन का किसी तरह का कोई रेट नहीं लगेगा, आपको प्लॉट रेट पे ही ये भी बिल्डिंग मिल जाएगी। तो इसके अंदर आप कंस्ट्रक्शन रेनोवेशन करके भी रह सकते हैं, ये भी एक पार्क फेसिंग प्लॉट है और यहाँ पर फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, किसी तरह का कोई कब्जे वाला सीन नहीं है, आप प्लॉट लेके इन्वेस्टमेंट के तौर पर भी छोड़ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये जो अभी प्लॉट्स आपने देखे ये रोहिणी सेक्टर 24 में अवेलेबल हैं, आसपास आबादी देखी कि यहाँ पे लोग रह रहे हैं और बिल्डिंगें बनी हुई हैं, तो इन प्लॉट्स को आप बाय कर सकते हैं। अलग अलग लोकेशन पे आपको यहाँ पे प्लॉट्स मिल जाएंगे, कुछ पार्क फेसिंग मिल जाएंगे, कुछ वैसे अन्य लोकेशन पे मिल जाएंगे, कुछ पार्किंग लोकेशन पे मिल जाएंगे, हर लोकेशन का प्राइस अलग अलग है। तो अगर आप यहाँ पे प्लॉट खरीदना चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से कंस्ट्रक्ट करके जल्दी से जल्दी यहाँ पे शिफ्ट हो सकते हैं। और अगर आप 2 से 3 बंदे मिलकर इस प्लॉट को खरीदते हैं तो आप इसके अंदर 4 फ्लोर बना के एक एक फ्लोर अपने आप हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं। 60 मीटर पे 2 BHK का बिल्डर फ्लोर का नक्शा निकल जाता है, मतलब कि 2 BHK का फ्लोर आपका बन जाएगा। अगर आप खुद प्लॉट लेके खुद कंस्ट्रक्शन करेंगे तो आपको मार्केट रेट जो 2 BHK का यहाँ पे 60 मीटर का, उससे काफ़ी चीपेस्ट प्राइस में आपको बिल्डर फ्लोर मिल जाएगा। इन प्लॉट्स को अगर आप बाइंग करते हैं तो अगर आप उसको कंस्ट्रक्शन का करवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमारे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपको जो भी कंस्ट्रक्शन में हेल्प होगी, पूरी बिल्डिंग बनानी होगी आपके हिसाब से, जिस हिसाब से आप बनाना चाहेंगे उस हिसाब से आपको कंस्ट्रक्ट करके दे देंगे, उस हिसाब से आपको रेट का कोट कर देंगे। अगर आप चाहते हैं कि ये प्लॉट लेके हम आपके साथ कोलैबोरेशन कर ले तो वो ऑप्शन भी अवेलेबल है, इसमें हम 1 फ्लोर आपसे लेंगे और 3 फ्लोर आपको कंस्ट्रक्ट करके दे देंगे। तो उसमें बेनिफिट ये रहेगा कि अगर आपको 3 फ्रेंड या 2 फ्रेंड मिलके इस प्लॉट को खरीदते हैं तो आप एक एक फ्लोर अपना शेयर कर सकते हैं, 1 फ्लोर आपका कंस्ट्रक्शन में चला जाएगा और 1 फ्लोर को आप सेल करके कुछ रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो सारे ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल हैं, या ऐसा भी कर सकते हैं कि आप इस प्लॉट को खरीद के 1 फ्लोर दे के 3 फ्लोर कंस्ट्रक्ट कर लें, कंस्ट्रक्शन करा लें और 1 फ्लोर में शिफ्ट होकर 2 फ्लोर को रेंट आउट कर दें। काफ़ी सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं क्योंकि प्लॉट की जो इन्वेस्टमेंट है वो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट मानी जाती है, जो कि आपको आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छी रिटर्न्स भी देगी और अगर आप रेंट आउट करेंगे तो मंथली रिटर्न्स भी देना शुरू कर देगी। तो यहाँ पे जो प्लॉट की स्टार्टिंग हो जाती है वो 1.60 करोड़ रुपए से लेके 2 करोड़ रुपए का रेट है, जिसमें अलग अलग लोकेशन पे आपको प्लॉट्स मिल जाएंगे। कुछ लोकेशनों पे ऐसे भी प्लॉट्स मिल जाएंगे जिसमें आप ग्राउंड फ्लोर पे कमर्शियल यूज कर सकते हैं और फर्स्ट सेकंड थर्ड पे रेजिडेंशियल यूज कर सकते हैं।
और इसी हिसाब से रेटों की वेरिएशन रहेगी, रेटों का ऊपर नीचे रहेगा। तो जो स्टार्टिंग हो जाती है वो 1,60,00,000 रुपए से 2,00,00,000 रुपए का यहाँ पे रेट है। बात करते हैं यहाँ पे मिलने वाली फैसिलिटीज की। यहाँ पे बिजली पानी का आपको कनेक्शन इजीली मिल जाएगा, IGL का कनेक्शन भी इजीली मिल जाएगा। लोग यहाँ पे रह रहे हैं, डेली नीड्स की सारी चीजें यहाँ पे इजीली अवेलेबल है। फ्रेंड्स अगर स्कूल्स की बात करें तो स्कूल्स यहाँ पे सेक्टर 24 में और 23 और 25 में नियर अबाउट काफ़ी अच्छे स्कूल्स यहाँ पे पब्लिक स्कूल अवेलेबल हैं, जिसमें इंडियन पब्लिक स्कूल, हेरिटेज पब्लिक स्कूल, DPS, विकास भारती और अदर काफ़ी अच्छे वेल नोन पब्लिक स्कूल यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो अगर यहाँ पे आप रिहायश करते हैं तो स्कूल्स यहाँ पे आपके बच्चों के लिए काफ़ी अच्छे और वेल नोन स्कूल्स अवेलेबल। और अगर आप इसमें बैंक फाइनेंस कराना चाहते हैं तो इसमें बैंक फाइनेंस भी अप टू 50% 60% तक आपको बैंक फाइनेंस भी हो जाएगा। मतलब कुछ ऐसे ऑप्शन भी है जो कि मैंने आपको वीडियो में दिखाया, जिसमें 2 या 3 फ्लोर बने हुए हैं, वो भी आपको जो प्लॉट है वो प्लॉट रेट से मिलेगा, किसी तरह की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट नहीं लगेगी। मतलब कि अगर आप पुरानी कंस्ट्रक्शन का प्लॉट लेते हैं जिसमें 2 से 3 फ्लोर बने हुए हैं, उसको कुछ रेनोवेशन करा के भी आप शिफ्ट कर सकते हैं। उसमें आपको बेनिफिट ये रहेगा कि प्लॉट आपको प्लॉट रेट से ही मिल जाएगा और जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो 2 से 3 फ्लोर उसमें बने हुए हैं वो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आपकी बच जाएगी। तो उसमें 20 से 30-40 लाख रुपये का आपको बेनिफिट हो जाएगा अगर आप कंस्ट्रक्ट हुआ हुआ पुराना कंस्ट्रक्शन वाला प्लॉट लेते हैं। और वो आपके ऊपर ऑप्शन रहेगा कि आप उसको दोबारा मतलब डिमोलाइज करके दोबारा कंस्ट्रक्ट करें या उसी को रेनोवेट करके उसमें रहना शुरू कर दें। तो हर तरह का ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। स्टार्टिंग जो हो जाती है 1,60,00,000 रुपए से लेकर 2,00,00,000 रुपए के बीच का यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है। उसके लिए एक बार आपको हमारे ऑफिस में डावर कंस्ट्रक्शन में विजिट करनी पड़ेगी। हम आपको जितने भी ऑप्शन यहाँ पे 24 सेक्टर में अवेलेबल हैं वो सारे आपको दिखा देंगे। इससे छोटे साइज में भी यहाँ पे प्लॉट अवेलेबल हैं जो कि 32 मीटर का है, जिसका स्क्वायर फीट में 40 गज एरिया होता है, जिसकी स्टार्टिंग यहाँ पे 80-85 लाख रुपए से हो जाती है। उसमें भी दोनों तरह के ऑप्शन मिल जाते हैं, खाली प्लॉट भी मिल जाता है और कुछ बनी हुई पुरानी बिल्डिंग भी मिल जाती हैं जो कि सेम प्लॉट रेट पे आपको मिल जाएंगी। सो फ्रेंड्स अगर आप इन प्लॉट्स को देखना चाहते हैं या कोई अदर क्वारी है तो आपको हमारे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारे जो नंबर्स हैं वो आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, आप हमारे ऑफिस में आके भी विजिट कर सकते हैं, हम आपको सारी ये लोकेशंस दिखा देंगे। इसमें अगर आप कंस्ट्रक्शन करके सेल करना चाहते हैं, कुछ रेवेन्यू जनरेट करना चाहते हैं तो वो ऑप्शन भी अवेलेबल है। उसमें हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे, आपकी कंस्ट्रक्शन में भी पूरी हेल्प कर देंगे और इसको सेल करने की भी जिम्मेवारी हमारी रहेगी, हम आपको इसको सेल करके भी दे देंगे। तो उसमें आपको क्या होगा, काफ़ी अच्छा रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा। जिस तरह से मैं अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि अगर आप हमारे अपकमिंग कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो ऑप्शन भी अवेलेबल है। अगर आप पूरा प्लॉट खुद बाय करके उसको कोलैबोरेशन कराना चाहते हैं और बाकी 3 यूनिट्स को सेल करना चाहते हैं, वो ऑप्शन भी अवेलेबल है। तो उसके लिए आपको एक बार हमारे ऑफिस में विजिट करनी पड़ेगी। सो फ्रेंड्स आशा करता हूँ आपसे जल्दी से जल्दी मुलाकात होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस चैनल पर मैं दिल्ली NCR की प्रॉपर्टी की इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करता रहता हूँ, इन्वेस्टमेंट प्लान भी आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको यही बेनिफिट रहेगा कि जैसे ही मैं कोई नई चीज़ अपलोड करूँगा, कोई नया इन्वेस्टमेंट प्लान अपलोड करूँगा तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सो फ्रेंड मिलते हैं नई वीडियो में नई प्रॉपर्टी के साथ।